जय हिंद प्यारे बच्चों, दसवीं कक्षा के सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए मैं अपनी तरफ से और सनबीम परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और गुरुजनों के लिए और विद्यालय के लिए आप सर्वोत्तम अंक बोर्ड में अर्जित करके सबको गौरवान्वित करेंगे। तो आपकी यश पताका हमेशा ऊपर उठती रहे, उन्नतिशील हो, इसकी शुभकामना मैं तहे दिल से देती हूँ। और आपके सम्मुख परीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विशेषकर हिंदी परीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस विषय में आपके सम्मुख कुछ मुख्य मुख्य बातें बताना चाहूंगी। तो आपके सम्मुख जब भी वो प्रश्न पत्र आता है तो उस प्रश्न पत्र को 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए जो समय दिया जाता है उस समय को पूरी तरीके से उपयोग करें। एक एक प्रश्न को आप भली भांति पढ़ें और उसके उत्तर को अपने मनोमस्तिष्क में पूर्ण रूप से सटीक उत्तर को बिठा लें। अब हम बात करेंगे कि हिंदी प्रश्न पत्र के कुल चार भागों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहले खंड में अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश आपके सम्मुख प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, इसमें कुल चार गद्यांश होंगे और उन चारों गद्यांशों में 2 गद्यांश आपको करना होगा। उन पर आधारित आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे और वो प्रश्न के उत्तर बहुवैकल्पिक होंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में आपको ध्यान यह देना है कि गद्यांश आपके सामने होगा और उनके प्रश्न जो होंगे वो कुछ ट्विस्ट करके या घुमावदार तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान देकर उन प्रश्नों का उत्तर आप चयनित करेंगे। क्योंकि विकल्पों में क्या होता है, विकल्पों में बहुत नॉमिनल, बहुत ही सूक्ष्म सभी विकल्पों में अंतर होता है और सटीक जो उत्तर होता है उसको चयनित करना होता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि खंड ख की, पहला खंड अपठित जो कि खंड क होगा, दूसरा खंड होगा व्याकरणिक खंड और व्याकरणिक भाग के अंतर्गत पदबंध, वाक्य, समास एवं मुहावरे से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको प्यारे बच्चों नीर क्षीर विवेकनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि पदबंध से संबंधित कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने प्री बोर्ड दिया था उसमें भी देखा गया, तो उसमें पदबंध से संबंधित वाक्यांश को पहचानने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए आपको पूर्णतया अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से जितने भी संदेह हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। अब हम तीसरे खंड की ओर चलते हैं। तीसरा खंड साहित्य भाग वाला होता है। साहित्य भाग में आपके स्पर्श से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2-2 अंक के होंगे और उसके बाद संचयन से संबंधित होंगे, तो जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर लिखते समय आपको 4 लाइन बहुत है, 4 लाइन में 2 अंक के 4 लाइन में उत्तर आप पूर्ण रूप से दे सकते हैं। और जो 4 अंक के प्रश्न होंगे वो इनकी अपेक्षा निबंधात्मक होंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको लिखना। इसके पश्चात हम आते हैं खंड घ में। खंड घ आपका लेखन भाग होता है। लेखन भाग में आपको सबसे पहले अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद 6 अंक का आता है और अनुच्छेद 3 दिए रहेंगे और 3 में से 1 को चयनित करना रहेगा संकेत बिंदु के साथ। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि जितने भी संकेत बिंदु हैं उन संकेत बिंदुओं को आप अपनी उसमें उत्तर पुस्तिका में उनको मेंशन ना करें, उनको ना लिखें, क्योंकि अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना होता है और
ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी अनुच्छेद का प्रारंभ आपको किसी काव्यात्मक पंक्ति से करना होगा और या किसी थॉट से शुरू करिएगा। जैसे मान लीजिए देशभक्ति से संबंधित है तो उसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसभार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो प्रकृति से संबंधित आता है तो वृक्ष धरा के आभूषण है, वृक्ष धरा के जीवन का, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो उसका शुभारंभ आप किसी थॉट से या किसी कविता की पंक्ति से या स्वरचित कविता से भी आप कर सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के पश्चात अगला प्रश्न जो होगा वो पत्र लेखन का होगा और वो भी औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपको जो प्रारूप बताया गया है उस प्रारूप के अनुसार आप लिखिएगा और पत्र लेखन में विषय और पता और संबोधन, उसके साथ साथ विषय, उसके साथ साथ अंतिम भाग जो उसका होगा उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना होगा भवदीय करके, इसमें अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा, औपचारिक पत्र आएगा। तो उसमें आपको क ख ग करके लिखना होगा, कहीं भी आप अपने नाम को वहां पर प्रयुक्त मत करिएगा। इसके पश्चात सूचना लेखन आता है। सूचना लेखन लिखते समय बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको एक आउटलाइन तैयार करना होगा और आउट करने का मतलब है कि एक बॉक्स आपको बनाना होगा, उस बॉक्स के अंतर्गत ही आपको सूचना को लिखना है। इसके पश्चात विज्ञापन लेखन, ये सभी 5-5 अंक के होंगे और अनुच्छेद 6 अंक का होगा। विज्ञापन लेखन में बच्चों ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ही आकर्षक होना चाहिए और प्रचार करने वाली जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को आप सारगर्भित तरीके से, मैंने उसको समासिक शैली में कम शब्दों में उसको पूरा करिए। और दूसरी तरफ उस विषय से संबंधित आपको फिगर बनाना होगा। इसके पश्चात कहानी, सबसे अंत में कहानी लेखन आएगा और कहानी लेखन में वो जो कि लघु कथा लेखन है, उस लघु कथा लेखन में आपको काल्पनिक तरीके से सबसे पहले विचार दिमाग में आप कर लीजिएगा कि किस घटना को आप प्रस्तुत करेंगे। तो कहानी के 6 तत्वों का आप इस्तेमाल अवश्य करेंगे कि कहानी का प्लॉट क्या होना चाहिए, उसमें पात्र कैसे होने चाहिए और उसमें डायलॉग डिलीवरी या संवाद कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, भाषा आपकी उत्कृष्ट होनी चाहिए और सरल सहज भाषा में भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रश्न पत्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ सामान्य बातें हैं जो कि हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप उत्तर लेखन में आपको जो लेखन भाग है उसको पहले आप करिएगा ताकि आपका लेखन भाग छूटने ना पावे। उसके पश्चात आप बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करिएगा, फिर साहित्यिक प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों प्रश्न नंबर लिखना ना भूलें, आपकी लिखावट बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, वर्तनी पूर्ण रूपेण शुद्ध होनी चाहिए और लिखावट में शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी बातों पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे और आप सर्वोत्तम अंक अर्जित करेंगे। तो प्यारे बच्चों की बोर्ड की परीक्षा के पहले आपको एक समय सारिणी जरूर बना लेनी चाहिए। अभी समय है, 1 महीने का समय है, तो उस 1 महीने के समय को एक एक हफ्ते आप एक एक विषय को दे सकते हैं और हिंदी में वर्तनी की शुद्धियां बहुत होती हैं, उस पर आप गौर अवश्य फरमाइएगा, उनको दूर करने की पूरी कोशिश आप अवश्य करिएगा। तो स्वस्थ रहिए और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार लेते रहिए। परीक्षा के दिन रात्रि जागरण आप बिल्कुल नहीं करें, ये हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। और अंततः मैं आप सभी को पुनः बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामना देना चाहती हूँ और यदि मातृभाषा से संबंधित कोई सवाल आ जाता है यानी कि अनुच्छेद आता है तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कोई शून्य। धन्यवाद।